आज हम बात करते हैं कील मुहासों यानी पिंपल्स के बारे में। पिंपल्स से आजकल देखा जाता है तो नौजवान लड़के हों लड़कियां हों, हर कोई बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पिंपल्स क्यों हो जाते हैं। एक इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जब हमारे शरीर में पित्त, कफ या वात, इन तीनों चीजों में से किसी का भी लेवल जो है बढ़ जाता है तो पिंपल्स निकल आते हैं। और आयुर्वेद में जो है पिंपल्स के बहुत सारे उपाय दिए गए हैं जिनसे हम अमल में लाकर उनसे हम बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अगर पिंपल्स में आपके रेडनेस हो और उसमें आपको जलन महसूस हो तो इसका कारण जो है वो पित्त माना जाता है। वहीं अगर आपके पिंपल्स हार्ड और वाइटिश कलर में हो तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं अगर पिंपल्स में आपको ड्राइनेस महसूस हो रही है, स्किन पे आपको एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, तो इसका अंदाज़ा है कि वात का प्रकोप जो है वो आपके शरीर में बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं ऑयली स्किन के कारण भी मुहासे होते हैं। और सबसे बड़ी वजह जो है वो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है। और जैसे हम धूल मिट्टी इस तरफ जाते हैं या फिर मान लीजिए हम अगर रोड पे जा रहे हैं और गाड़ियों से जो प्रदूषण निकल रहा है, काला गंदा धुआं निकल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्किन के अंदर जाता है, अगर पोर्स के जरिए हमारे स्किन में जाके, और फिर वो पिंपल्स हमारे चेहरे को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। विषैले तत्व जो होते हैं वो स्किन में जमा होने लगते हैं और फिर वो बाहर नहीं आने की वजह से वो एक पिंपल का रूप ले लेते हैं। और कई बार ये भी होता है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं स्किन के लिए कि आप स्किन को ग्लो करेगी आपकी स्किन या फेयरनेस के लिए, तो उनमें कहीं ना कहीं केमिकल्स भी होते हैं और वो भी साइड इफेक्ट हमारे चेहरे पर छोड़ देते हैं, तो उस कारण भी पिंपल्स निकल आते हैं। और अगर मान लीजिए आपको पिंपल निकल आया है तो सबसे पहले तो आप उसको छेड़िए मत बिल्कुल। बेहतर हो कि आप आयुर्वेद का कोई इलाज ले लीजिए और सबसे पहले आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। अगर पिंपल्स हैं और नई भी हैं तो सबसे अच्छी बात है कि मौसमी फलों का आप सेवन करें। जो भी सीजनेबल फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हो वो आप जरूर खाइए। और सब्जियों का सूप आप बनाकर पीते हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए अलग अलग तरह की सब्जियों के, किसी में फाइबर है, किसी में आयरन है, किसी में विटामिन ए है, डी है, वो सारी चीजें आपको बॉडी में जब आपकी जाएंगी तो आपकी बॉडी वैसे ही इतनी ग्लो करने लगेगी, आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी तो आपको वो पिंपल्स होने नहीं देंगे। पानी बहुत ज्यादा पिए आप, भले वो गुनगुना पानी हो या नॉर्मल पानी हो वो ज्यादा पिए आप। नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी मिल जाए तो और भी बेहतर है, छाछ लें, लस्सी लें, लिक्विड चीजें लें आप। साथ ही साथ सौंफ, जीरा, धनिया, अदरक, ये तीनों चीजों को पानी में आप उबाल लीजिए। इसका पानी आप उबालने के बाद छान कर रख लीजिए, उसको पी सकते हैं आप। गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर पी लें। और अगर आपको वो खट्टा थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है लेने में तो आप गुनगुने पानी में नींबू है और थोड़ा शहद डालकर आप पी सकते हैं। एक चीज और है कि त्रिफला चूर्ण जो है वो आप डेली सेवन करें, आपकी स्किन को भी ग्लो करेगा। और कहीं ना कहीं पिंपल्स की वजह जो होती है वो पेट की खराबी भी होती है, तो त्रिफला लेने से आपका पेट साफ रहेगा तो आपके पिंपल्स नहीं होंगे। अब यहाँ बात करते हैं कि अगर पिंपल है तो आयुर्वेद में उसके लिए क्या टिप्स बताए गए हैं। देखिए नीम जो है वो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। नीम जो है वो कई औषधियों की, मतलब एक रामबाण औषधि माना गया है उसको। तो नीम के पत्तों को पीस कर चेहरे पर लगाएं, उसकी जो कोपल आती है, ताजी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं बहुत, तो उन पत्तियों को आप अच्छे से धो लीजिए, उसको पीस कर आप उसका पेस्ट अपने फेस पर लगाइए। साथ ही साथ नीम की छाल जो पेड़ में आप देखते हैं कि छाल निकलती है, उसको आप लाके घिस लीजिए और उसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिला के आप उसको लगा लीजिए अपने मुहासों पर। वही नीम की 5-6 पत्तियां अगर आप सुबह खाली पेट चबा सकते हैं, वही जो कोपल आती है जो छोटी छोटी होती हैं वो अगर आप चबाकर खा जाएं सुबह तो बहुत ही अच्छा है। वो आपका पेट भी साफ करेगा, आपका ब्लड प्यूरिफाई करेगा और इससे आपको पिंपल्स नहीं होंगे। हरा धनिया पुदीने का पेस्ट बनाकर आप फेस पर लगा सकती हैं। नींबू के रस में पानी मिलाकर आप जेंटल फेस पर मसाज करिए हल्के हाथों से, और साथ में आप एलोवेरा जेल निकाल कर आप फेस पर लगाएं,
अगर आज तो मार्केट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग एलोवेरा जेल मिल रहे हैं, तो बेहतर है कि आप अगर एलोवेरा जेल आपको मार्केट से आप ला रहे हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फेस पे, और अगर आपके घर में एलोवेरा लगा हुआ है तो आप उसका छिलका निकाल लीजिए और जो गूदा है वो आप एकदम अपने स्किन पे रगड़िए, जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ पर रगड़िए, तो थोड़े दिन में आपको महसूस होगा कि वो पिंपल्स जो है वो वहीं पे दबने शुरू हो गए हैं, वो धीरे धीरे एकदम बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप एलोवेरा और इन चीज़ों का, आयुर्वेद की चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए कि पिंपल्स खत्म होने के बाद जो एक निशान रह जाते हैं स्किन पे, वो जो बहुत खराब लगते हैं दाग धब्बे से, वो भी नहीं होंगे, वो भी एकदम दूर हो जाएंगे। और त्रिफला जो है वो खाना आप ना भूलिए। आप आयुर्वेद के सारे जो आप मैंने अभी आपको बताए हैं, नीम के पत्ते हैं, हरा धनिया पुदीने का पेस्ट आप लगाएं, नींबू पानी पिए, एलोवेरा जेल आप यूज करें, लेकिन त्रिफला खाना ना भूलिए। त्रिफला खाने से आपको मैंने अभी बताया कि बहुत सारे जो अंदर के विकार हैं वो दूर होंगे, आपको गैस नहीं बनेगी, आपका पित्त कफ और वात में आपको फायदा करेगा, तो वो कहीं ना कहीं वो पिंपल से भी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। पॉल्यूशन से आप बच सकते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को कवर करके जाएं, बेहतर है कि आप कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, अगर धूप में जा रहे हैं आप तो आप सनस्क्रीन यूज करें, या मॉइस्चराइजर आप यूज करें तो उसमें ध्यान रखिए कि SPF कितना है, तो आप पिंपल से बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारे जो भी अभी तक मैंने टिप्स बताए हैं, ये तो आप अगर आजमाएंगे तो आपको पिंपल से बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। और इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहिए, तो अगले एपिसोड में फिर इसी तरह और कई सारी जानकारियां लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।